हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SS एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। अब जहाँ तक बात है कि इस चैनल के द्वारा हमेशा ही कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, तो इस बार भी हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, बहुत सारे मतलब एक पूरे वाक्य को एक शब्द में बताना, उसी को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो खंड है, इससे दो तीन क्वेश्चन सब में आ जाते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं इसी से रिलेटेड। आज से हम एक खुद से तैयार किया हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट है, जिससे कि हम आप लोगों के सामने लाएंगे और इसको याद करने से आप लोग को बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सेट वन। यहाँ लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ये बैंक, SSC, UPSC, नवोदय, जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्या है, इसके बारे में जैसे मैं इसको आप लोग के सामने ये वीडियो जो लाया हूँ, तो इससे आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और करके खुद से याद भी करेंगे। याद करने से क्या होगा कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जैसे है कि वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगहों पर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो ओमनीप्रेजेंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, अलमाइटी और ओमनीपोटेंट कहा जाता है उसको, जो बहुत शक्तिशाली होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसियंट कहा जाता है। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार हम लोग देख सकें, ट्रांसपेरेंट। इक्लिप्स ऑफ द सन, इसको क्या कहते हैं, सोलर। और इक्लिप्स ऑफ द मून, इसको कहते हैं लूनर। ए पर्सन हु लव्स हिज ऑन कंट्री, इसको कहते हैं पैट्रियट। ए पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, मार्टियर। ए पर्सन हु डिसीव्स हिज कंट्री, ट्रेटर। ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको कहते हैं थिस्ट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ए थिस्ट कहा जाता है। ए पर्सन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, कॉल्ड आइलिटरेट। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको आइलिटरेट कहा जाता है, अशिक्षित। मैटर रिटन बाई हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैटर रिटन बाई हैंड, उसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि वह चीज़ जो कि हाथ से लिखा जाए उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी हस्तलेख कहा जाता है। ए पर्सन हु हेड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मिसोगामिस्ट। द स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड, जो अविवाहित होता है उसको कहा जाता है बैचलरहुड। द स्टेट ऑफ बींग मैरिड, और जो शादी विवाह वाले होते हैं उनको मैट्रिमनी कहा जाता है। तो इस तरह से यह जो है सेट वन है, और इनको छोटे छोटे खंडों में बांटा इसलिए गया है ताकि आप लोग जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं उनको इसे याद करने में बहुत ही सुविधा हो सके। इसी तरह अनेक जानकारियों के लिए और बहुत सारे ज्ञान के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम तथा नए रोजगार के अवसर और सभी जो जॉब हैं उनके सिलेबस के लिए, इन सब पे चर्चा होते रहेगा। इन सब के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।